आज है होलिका दहन, आप सभी को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम लोग साथ मिल करके बना रहे हैं यहाँ पे गुजिया। देखो मम्मी बना रही है गुजिया, पापा बिलासपुर से खोआ लाए थे। खोए को पहले भूंज करके इसमें सारी मेवा मिष्ठान डाल करके हम लोग बना रहे हैं गुजिया और बहुत सारा सामान। आप अपने घर में होली के दिन क्या क्या बनाते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। कल होली है पर कल बहुत सारा काम रहेगा और एक दिन में सारी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए हम लोग कुछ चीज़ों को आज ही बना करके रख रहे हैं। सांचे से इसको बनाया जा सकता है और अगर आपके पास सांचा नहीं है फिर भी आप बना सकते हो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मोड़े वाला बना दो। जितने भी सभी मैदा की चीज़ें हैं, मैदे की हर चीज़ों को लो फ्लेम में ही बनाएं, क्योंकि आप हाई फ्लेम में बनाएंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। गुजिया सूजी का भी बनता है पर हमारे यहाँ मावा का ही बनाया जाता है। अगर आपको सूजी का गुजिया बनाना है तो सूजी को देसी घी में भूंज कर आप उसमें जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं आप उन ड्राई फ्रूट्स को डाल करके बना सकते हैं, या सूजी और मावा को हाफ हाफ करके भी आप इसका मिश्रण तैयार कर सकते हैं। आपको जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हैं। और हम लोग कल पुआ भी बनाएंगे, मालपुआ, तो आप कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और मुझे सपोर्ट करें। इतना ही फ्लेम में हम लोग इसको बनाएंगे, इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो ये कच्चा हो जाएगा। और मैं आपको एक खाजा का वीडियो भी बताऊंगी, जब उसको बनाते हैं ना तो उसका फ्लेम एकदम ही ज़्यादा लो होता है, मतलब तेल में बुझबुझे नहीं उठते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो अंदर से पूरा वो कच्चा हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपको तेल में हीट ज़्यादा करना ही नहीं है। जितने गुजिया थे सारे तेल से ऊपर आ गए हैं, अब हम इसको धीरे धीरे कर, अरे एक ठो गुजिया फट गया अम्मा, ये छोड़ दे, कुछ नहीं है, फट गया काम वाला। जितनी गुजिया है सबको हम लोग इसको साइड से पलट देंगे। अच्छा से कर, एक बार में 5 से 6 गुजिया आप निकाल सकते हैं। और इस गुजिया को ज़्यादा आप लाल ना करें, इसी तरह से ही हल्का ब्राउन करें, ज़्यादा रेड में ये अच्छा नहीं दिखता। सारे गुजियास बनकर यहाँ पे तैयार हो गए हैं, आधा किलो से इतने सारे गुजियास बने हैं और एक बार और निकल रहा है, तो आप इस हिसाब से अपने घर में गुजिया बना सकते हैं। हम सभी लोगों ने सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसके बाद हम लोग बनाएंगे। गुजिया हो गया है बन के रेडी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ठेकुआ, यूपी स्टाइल में ठेकुआ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप के करीब लिया है आटा, बड़ा कप में लोगे करीब 300 ग्राम के करीब आटा है और 100 ग्राम के करीब सूजी है। स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालें, क्योंकि अगर कोई भी मीठा चीज़ बनाते हैं तो उसमें हल्का नमक डालना चाहिए, जिससे मीठा मीठा मुँह ना लगे। उसके बाद 1 कटोरी भर के हम लोग इसमें मोइन डालें, वो भी देसी घी का, क्योंकि ठेकुआ बना रहे हो और उसको आप बिना घी के बनाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसको पूरा मिलाने के बाद आप हाथ में पकड़ के देखोगे तो इस तरह से लड्डू बनना चाहिए, है ना, इसका मतलब परफेक्ट है। और आप ये अगर तलोगे तो क्रिस्पी बनेगा। और यहाँ पे है चीनी का पानी, इसको घोल के रखे हैं गर्म पानी में, उसके बाद हम लोग इसमें चीनी वाला पानी डालेंगे। सूखा चीनी हम लोग डाल नहीं सकते, इसीलिए चीनी को घोल कर ही डालें। आप गर्म पानी या ठंडा पानी में डाल सकते हो जो भी, लेकिन गर्म पानी में डालोगे तो चीनी जल्दी से घुलेगा। उसके बाद इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए ऊपर से चीनी और डालेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी हम लोग इसमें मिलाएंगे। इस होली में हम लोग बहुत सारी रेसिपीज़ बनाने वाले हैं, क्योंकि अगले 4 से 5 साल से हम लोग होली नहीं मनाए थे, क्योंकि घर के लोग उस टाइम बाहर रहते थे, पर इस साल 5 साल के बाद हम लोग साथ में होली मना रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी खाने पीने का चीज़ बनाएंगे। तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। इसको हम लोग अच्छे से मिला करके करीब आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। मिलाते हुए हम लोग इसमें ऊपर से चीनी डालेंगे, जिससे जब ये बन के रेडी होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और इसमें कैरेमल वाला फ्लेवर आएगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं और ये ऑथेंटिक तरीका है ठेकुआ बनाने का।
अच्छे से इसको मलने के बाद करीब आधा घंटा के लिए इसको हम रेस्ट पर छोड़ देंगे, जिससे ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और इसका स्वाद अच्छा आएगा। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद एकदम सॉफ्ट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद ये एक टुकनी है, आपके पास सांचे हो तो इसमें इतना बड़ा साइज का ले लें एक लोई और ऐसे दबा करके उसको निकाल लें। इसमें अच्छा सा एक सिंपल डिज़ाइन बन के तैयार होता है, जो एक ऑथेंटिक तरीका है यूपी स्टाइल में बनाने का। आप देख पा रहे होंगे मम्मी कैसे दबा करके बनाते हैं, सारी ठेकवे को बना के तैयार कर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भुजभुजे कर रहा है। तेल गर्म नहीं है, एकदम नॉर्मल में है, तेल इतना ही रहना चाहिए। अगर ये तेल तेज हुआ तो पूरा ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर पूरा कच्चा रह जाएगा। तो मैं ये बात को बार बार बोल रही हूँ आपको कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए। देखना ये बन जाएगा तो इसमें पूरे क्रैक्स आने लगेंगे बेटा, ऊपर बनी नहीं ना दबा। आप देख पा रहे होंगे पूरे इसमें क्रैक्स आ रहे हैं। और यहाँ मम्मी दूसरे टुकनी में बना रही है ठेकवे का दूसरा डिज़ाइन, देख पा रहे होंगे पूरा इसमें क्रैक आ रहा है। देखो आप इस तरीके से पूरे क्रैक्स आने चाहिए ठेकवे में। अगर आप अच्छे से इसमें मोइन डाले होंगे और वो भी घी का मोइन, इसका टेस्ट है ना लाजवाब आता है। जब आप मुंह में डालेंगे ना पूरा घुल जाएगा, आपको एक ही बार में आप सारे चट कर जाएंगे, खास करके बच्चे। तो आप इसको एक बार ज़रूर बना करके देखिए और इसी तरीके से इसी मेज़रमेंट से बनाइए। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए। और एक बैच को बनाने में कम से कम आपको 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि ये लो फ्लेम में बनता है, अंदर तक पकता है। नहीं तो मैं बताई ना, बाहर से लाल हो जाएगा और अंदर से रह जाएगा कच्चा। ये अच्छा से रेड हो चुका है और हम लोग निकाल रहे हैं। इसे कैसे रेड करना है और इससे ज़्यादा हम लोग इसको रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये निकलने के बाद भी पकता रहता है। देख पा रहे हैं पूरा ये क्रैक हो चुका है। हम कर दे बेटा, अच्छा करे तो तेज में नहीं डालना ना, फट ले डाल देखो इतने सारे क्रैक आ गए। पर याद रखें अभी तेल एकदम गर्म है, इसको हम लोग एकदम लो फ्लेम में करेंगे और कुछ टाइम के बाद इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी तेल गर्म है, अभी डाल देंगे तो ऊपर से। हुआ सारा बंद करके रेडी हो चुका है, वही लगभग आधा किलो आटे का है ये जितना बना है। ये सारा वीडियो आज का है, मतलब होलिका दहन का। और हम लोग आज दो चीज़ बनाए हैं, गुजिया और ठेकुआ, जिसकी रेसिपी मैंने ब्लॉग के साथ डाली है। कल भी हम लोग पुआ, दही बड़ा और अलग अलग चीज़ बनाएंगे। तो मेरे चैनल पर आप बने रहिए, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दें। तो आपको एडवांस में हैप्पी होली।